इस वक्त हम हैं गांव ढांड में और गांव ढांड से सरपंच पद के प्रत्याशी के तौर पर चंद्रमोहन पोटलिया जी हमारे साथ हैं। ये प्रमुख समाज सेवी रहे हैं, युवा साथी हैं और काम करने में विश्वास रखने वाले हैं। चंद्रमोहन जी, आज आप चुनाव मैदान में उतरे हैं सरपंच पद के उम्मीदवार के तौर पर गाँव में, तो आपका चुनाव प्रचार किस तरह से चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से जितने भी मेरे जानने वाले हैं, जितने भी साथी सहयोगी है, उनको मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार। और रही बात चुनाव की, आपने जैसे पहले भी हम आमतौर पर इस क्षेत्र के अंदर मुलाकात होती रहती है हर किसी गांव में, और मेरा उद्देश्य सिर्फ लोगों के लिए समाज सेवा करना। और मैं ये सरपंची का इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि गांव के अंदर जो विकास की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनसे लोग वंचित है, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करने के लिए मैं पहली पीढ़ी के तौर पर आज सरपंची के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दर्ज करने जा रहा हूं। और साथ ही मैं कह देना चाह रहा हूं, गली नाली को अगर कोई विकास मानता है तो वो विकास नहीं है। अगर आज के दिन आमतौर पर शिक्षा को लेकर सबसे बड़ी समस्या आ रही है, आजकल हमारे बच्चे बाहर कोचिंग लेने के लिए कोई अकेडमी में बहुत ज्यादा रुपए पे करके वहां पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो अगर कोई प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, उसके अंदर पढ़ाने वाला अध्यापक, उसकी सैलरी आमतौर पर आप जानते हो, उसकी सैलरी मिनिमम 15,000-20,000 रुपए तक लास्ट होती है। और सरकारी स्कूल के अंदर जो हमारे अध्यापक गण है, उनकी सैलरी अच्छी खासी 75,000-1,00,000 रुपए, इस तरह की सैलरियां होती है। तो क्या चूक है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर जो साथी जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उन्होंने जो कभी मतलब जो सरकारी नौकरी तक नहीं पहुंचे हैं, उन स्कूलों के रिजल्ट सरकारी स्कूल की बजाय अच्छे आ रहे हैं। ये कमियां गांव के प्रतिनिधि के तौर पर हुई है तो उनको दूर करने का प्रयास, हर संभव प्रयास मेरे से किया जाएगा। और गांव के अंदर किसी भी तरह की कोई भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए मैं ये चुनाव आज नामांकन दर्ज करने जा रहा हूं। जैसा कि गांव में बहुत सी समस्याएं रहती हैं लोगों के पीछे, हमने सुनने में आया कि गांव में पेयजल को लेकर काफी समस्याएं हैं, लोग इस समस्याओं को लेकर अधिकारियों से भी मिले हैं और यहाँ के लोगों द्वारा बार बार इसके लिए आवाज भी उठाई गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पेयजल के तौर पर आमतौर पर पेयजल की समस्याएं रहती है गांव के अंदर। जो वाटर टैंक बना है वो छोटा है, जो लोगों को जितने पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए खामियां रही है। अभी पीछे भी बना है, वो पीछे भी वाटर टैंक बना था, अब खामियां किधर प्रशासन की रही है या किसी और की रही है, ये बात आगे देखने पे होगा। और मेरे तरफ से हर संभव कोशिश की जाएगी हर घर हर डाणी और हर मोहल्ले के अंदर पानी की सुविधाओं को पूर्ण रूप से पूरा किया जाए। ये पानी के बारे में आपने बताया, गांव में आपने जैसे कि हालात अब आप ही देख रहे हैं कि यहाँ की जो आवाज है लोगों उठाई कि यहाँ भ्रष्टाचार के चलते यह भेंट चढ़ गया, तो इस संबंध में कार्रवाई करवाने को लेकर ग्रामीण कई बार शिकायतें भी दे चुके हैं, उस संबंध में आपका क्या एक्शन होगा? देखो, इसके भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ है, भ्रष्टाचार की सीढ़ी एक नहीं होती, अनेकों सीढ़ियां होती है, इसका पूर्ण रूप से इसकी जांच करवाई जाएगी, क्या चीज है क्या नहीं है, उसके बाद ही ये पता लगेगा। मैं किसी को केंद्र बिंदु पे नहीं लेकर चलने वाला, क्योंकि यह चीज खामियां कहाँ रही है, प्रशासन की रही है किसी और की रही है, ये बाद में पता चलेगा। आप पुराने गांव से, आप ऐसे घर से हैं जो जिनका राजनीतिक घराने में बहुत अच्छी पेट रही है और आपने यहाँ गांव में आपका अच्छा समर्थन मिल रहा है और आपके साथ प्यार भी बना हुआ है, तो जैसे हर ग्रामीण ये उम्मीद करता है कि क्योंकि सरपंच सुख दुख का साथी होता है, तो ग्रामीणों को साथ आपका कैसा साथ रहेगा? देखो, मैं गांव में सरपंच पद के लिए अगर इलेक्शन लड़ रहा हूं तो मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर और 36 बिरादरी का ही कैंडिडेट हूं। जैसे अभी पीछे 2-3 दिनों में अच्छे प्रोग्राम हुए हैं, अलग अलग समाज के लोगों ने मुझे समर्थन दिया है, तो उन लोगों को एक आशा एक उम्मीद है कि हाँ, ये नौजवान लड़का है, कुछ करने वाला है और बाहर भी मतलब समाज के अंदर जान पहचान भी अच्छी है, तो इसको जिताकर गांव का विकास किया जाए। और रही बात, मैं किसी एक दल को या एक धड़ा जिसको बोलते हैं, गांव में आमतौर पर लड़ाई होती है जातिगत समीकरण पे, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, मैं उस जातिगत समीकरण को बिल्कुल नहीं मानता और बिल्कुल उसको अपनाऊंगा भी नहीं। मैं सभी को साथ लेकर चलूंगा और सभी का विकास करूंगा, चाहे वो मेरे को आज मेरे पक्ष में मतदान करे या ना करे, वो आगे की बात है, मैं सभी को साथ लेकर चलूंगा, सारा गांव मेरे लिए प्रिय है।
गांव में जैसे युवाओं की बहुत सी आशाएं होती हैं सरपंच से, चाहे वो खेल से जुड़ी हुई हो चाहे वो रोजगार से जुड़ी हुई हो। तो मान लो रोजगार सरपंच नहीं दे सकता, लेकिन वो ऐसे अवसर प्रदान करने की ऐसी योजनाएं बना सकता है बच्चों के लिए, तो इसके लिए भी आपके क्या प्रयास रहेंगे या खेलों के लिए भी आपका क्या योगदान है? खेलों के लिए सबसे पहले तो मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ और खेलों के तरफ मेरी रुचि भी अच्छी है। तो मेरी कोशिश गांव में यह रहेगी, एक अच्छा मल्टीपर्पज हॉल जिसमें स्टेडियम के तौर पर और हर एक चीज के तौर पर गांव के अंदर स्टेडियम हो, गांव के लड़कों को या मेरी बहनें हैं लड़कियों को उनको आगे अवसर प्रदान करना, आगे जिस मतलब स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रिक्ट के अगर कोई जीतता है तो उसको स्टेट की तरफ अगर वो खेलने जाता है, नेशनल खेलने जाता है, उसको सारी सुविधाएं ग्राम पंचायत के द्वारा हमारे द्वारा मुहैया करवाई जाएगी। और रही बात शिक्षा की, शिक्षा के तौर पर मैं पहले भी आपको शुरू में ही ये बात बोल चुका हूँ, शिक्षा के अंदर अगर हमारा बीज, हमारा नया पौधा, अंकुरित होने वाला बीज अगर उसको अंकुरित होने से रोक दिया जाएगा तो वो पौधा कैसे बनेगा? तो सबसे पहले नौजवान जो बच्चा है उसकी आधार है, उस शिक्षा को मजबूत करने का काम किया जाएगा और समय समय पर अवसर प्रदान किए जाएंगे हमारी तरफ से कि आगे कहीं भी हमारी तरफ से अगर कोई सुविधा की जरूरत है तो उसको सुविधा दी जाएगी। और गांव के अंदर एक ऐसी एकेडमी का निर्माण किया जाएगा जिसके अंदर बहुत से आजकल जैसे एकेडमियों के संस्थापक है, जैसे बड़े बड़े मतलब नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका हर महीने के अंदर कम से कम 10 ऐसे अकेडमियों के संस्थापकों का गांव के अंदर कैंप लगवाया जाएगा जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और अच्छी मतलब गाइडलाइन मिल सके। तो ये मेरी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश की जाएगी। हमने गांव में भी राउंड लगाया था, गांव वालों से भी बातचीत की थी। हमने सुना है कि गांव में अभी जो एग्जाम थे सीईटी के, तो उन बच्चों के लिए भी आपने अच्छा जो भी सुविधाएं थी उपलब्ध कराने की कोशिश की। देखो देखो, आपने शुरू में आते ही मुझे जिस नाम से मतलब सम्मानित किया, मैं समाज सेवी के नाम से आपने मुझे दर्शाया, तो मैं ये समाज सेवा के लिए अगर कोई भी काम है उसके लिए मैं हाजिर रहता हूँ। ये गांव का प्यार प्रेम है, मैं करने वाला कोई नहीं हूँ और यह गांव का प्रेम है, इसके ये चलता रहेगा। मैं इस चीज का श्रेय किसी को नहीं देना चाहूंगा, ये बहुत मतलब हर जगह मैं मौजूद रहने की मेरी कोशिश करूंगा, हर संभव कोशिश मेरी तरफ से की जाएगी। ये थे चंद्रमन पोटलिया जी, और आज गांव ढांड में हमने इनसे बातचीत की। सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और आज ये नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। लोगों का प्यार, इन्हें भारी समर्थन इनको मिल रहा है, तो आगे आने वाला समय बताएगा कि कितने वोटों से जीतते हैं ये तो। लेकिन भविष्य की जो है योजनाएं लेकर चलते हैं, जैसे कि इन्होंने युवाओं से संबंधित बताया और इन्होंने जैसे बताया कि ये अकेडमी खोलेंगे, क्योंकि युवा पढ़ लिख जाता है, पढ़ने लिखने के बाद वो रोजगार के लिए कौन से किस तरह किस रास्ते पर जाए, उसके लिए अकेडमी का होना बहुत जरूरी है, जहाँ से उन्हें मार्गदर्शन मिल सके और वो आगे अपना किस जॉब में जाना चाहता है, किसके लिए वो तैयारी करे, वो जानकारी मिल सके। इसके लिए उन्होंने पहले हमें बताया कि हम ये अकेडमी से संबंधित ऐसे जो जागरूक लोग होंगे उनसे उनका प्रशिक्षण बच्चों को दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही शानदार योजना इनकी है। तो आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।